बहुत ज्यादा ठंडा है वहाँ लिटरली। या फिर अर्जुन गिर गया आपको। हेलो गाइस, मैं हूं अर्जुन। मैं हूं नमन। वैसे तो आप लोगों में जानते होंगे पर फिर भी एक इंट्रो देना था। और बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे भाई तुम कहाँ थे, वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, तो बताओ वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। अरे बस हो जाती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, जो भी था, अब सब लाइफ स्मूथ में चल रही है, स्मूथ चल रही है लाइफ। तो अब क्या है कि अब ना हम सिर्फ प्रैंक्स ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें लेकर आए, फूड व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, ईट व्लॉग्स, मतलब इन शॉर्ट सब कुछ आने वाला है आपके लिए। हम क्या क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, हर एक से एक बेस्ट चीज ट्रैवलिंग की, आप कहाँ जाके घूम सकते हैं, क्या खा सकते हैं दिल्ली में या बाहर की, जो अच्छा लगा सब कुछ लाएंगे आपके लिए। इतना शौक पड़ा है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और आज वैसे दिल्ली में मतलब बहुत गर्मी है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो आज तुम्हें ऐसी जगह लेके जा रहे हैं ना जहाँ तुम खुद जाना चाहोगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी व्लॉग में स्टे ट्यून्ड रहो, अभी वहाँ चलते हो तो मैं दिखाते हैं कि कहाँ पर है वो जगह, क्या है क्या नहीं है। तब तक के लिए रास्ते में भाई की साड़ी दिखाएंगे। चलो चलो बाय बाय बाय। कैसे हो सारे, आओ घुमाने लेके चले तुम्हें, फटाफट बताओ यार क्या कर रहे हो इतनी लेट। हां जी सर, ओला कैब सर, ओटीपी सर, ओटीपी क्या आपका सर? ओटीपी है ब्रा। A few moments later. So guys, अब हम पहुंच गए नोएडा सेक्टर 18। ये देखो ये पीछे पार्किंग है पूरी, और तुमने कहा गाड़ी पार्क करिए भाई पीछे यार, पीछे गर्मी बहुत है यार। गर्मी बहुत है तो तभी तो हम उस जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह की मजा ही आगे, पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है कि नहीं है। तो अभी चलते हैं, मुझे नहीं पता तूने करी है, मैं नहीं पता। तो अभी सब कर दिया, पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ खाएंगे, उसके बाद दिखाता हूँ। इधर इस जगह पे सब खाने का एकदम बढ़िया है, देखो बिल्कुल बढ़िया, कुछ भी आया। अरे ओए क्या भी रहे, क्या भी रहे, दिखा जनता देखना चाहती है क्या भी रहे तू। जनता को मत पियो, इसे पीछे मोड़, जनता देख ली, जनता भी ली, मैं क्या पीऊंगा। सच बोलूं ना नमन, फ्रेम में हो यार, फ्रेम से बाहर क्यों जा रहे तू? बोलो बोलो, सच बोलूँ ना, यहाँ पर तक आने के लिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट एक बार यहाँ आ गए ना, जिस जगह हम लेके जा रहे हैं वहाँ चले गए तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, सच बोल रहा हूँ। ठीक है चलो, अब चलते, अब सिर्फ उस जगह पे कैमरा खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे, हम पता नहीं कितना कैमरा खोले, लोग कहेंगे जगह ही नहीं आ रही। ठीक है चलो। सो गाइस, हम आ गए DLF मॉल के अंदर, सारी बात झूठ थी। सब बात ये थी कि अगर तुम्हें गर्मियों में बाहर जाना है भाई, फ्रेम में, अगर तुम्हें गर्मियों में बाहर जाना है तो तुम किसी भी मॉल के अंदर घुस जाओ। नहीं नहीं कुछ और बात है, कई बार लेके जा रहे हैं, कई बार लेके जा रहे हैं। ये बंदा कर रहा है फेक क्लिक बेट। कुछ नहीं पता, अपनी गर्लफ्रेंड से बिजी है बात करने में बहुत ज्यादा। A few moments later. तो गाइस हमने ले लिए दो टिकट्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 699 की टिकट है दो। सर टाइमिंग क्या इसके ओपन होने की? 11 AM से फर्स्ट होता है स्टार्ट, और क्लोजिंग क्या है मतलब लाइक लास्ट स्लॉट इज 9 PM। गाइस आप देख सकते हैं 9 बजे तक ये बंद हो जाएगा, और उसके बीच में ऐसे कुछ एक बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर जब आप आ सकते हैं। 700 की टिकट है जिस पर कुछ अवेलेबल होगा, और जो ऊपर दिखाइए ये सारी राइड्स होंगी, ये सारी अवेलेबल आप देख सकते हैं। स्नो स्लाइडिंग, स्नो डांस, स्नो बोर्डिंग, स्नो स्लाइडिंग, स्नो प्ले, मतलब सब आई। कोई आ गया हमारी दो टिकट एंटर है ये गाइस, आ गए हमारे दो टिकट, और ये बाहर का इंटीरियर बहुत अच्छा बना रखा है लोगों ने, पूरा ये ऐसा बना रखा है, और ऐसा तो कुछ होगा अंदर, तो पूछो अंदर जा सकता हूं भैया मैं? अभी टाइम हो गया 1:30 पूरे हो गए, तो 1:30 हो गए पूरे, भैया ने परमिशन दे दी अंदर जाने की। चलो ये गाइस, यहाँ पे ना हमें ऐसी बास्केट मिलेगी यहाँ पर, इसका हमें ना बास्केट नंबर, हम एंटर होते ना बास्केट दे देंगे, तो ये बास्केट नंबर याद रखना है, हमारा बास्केट नंबर है 46। और ये शूज़ अवेलेबल है यहाँ पर, ये ग्लव्स और ये जैकेट, तो ये कुछ हमें इंक्लूड है इसके अंदर 700 के अंदर। और नमन वाला भी रेडी, फटाफट हो भाई रेडी यार, नमन टाइम निकल जाएगा सारा। बड़े बड़े शूज है तो। हाँ मैं कहता रहा हूँ बहुत ज़्यादा भारी है, गुड लाइन तो कुछ भी नहीं है, ये शूज लूँगा मैं तो कह रहा हूँ ये ले चलते हैं यहाँ से।
पूरा कुछ पिएगा क्या? सूट चैम्बर, डिपॉजिट क्या मिलते हैं यहाँ पर? हाँ, तुम एंट्री वहाँ से करोगे तो यहाँ से आओगे तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगी यहाँ से, तुम्हारी जैकेट और शूज। यहाँ हो गए हम रेडी और भाई को कर दिया पूरा पैक नीचे से लेके ऊपर तक। कैसा लग रहा है तुम? गर्मी लग रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार। गर्मी से यहाँ पे इसमें तो और ज़्यादा लग रही है, पर देखते हैं ऊपर कैसा होता है, स्नो वनो होती है नहीं होती है। जैसा देखा था हमने वैसा होता नहीं होता। हम यहाँ से चल रहे हैं, अब हमारी स्नो एंट्री, तो देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, यहाँ से हमें लेके जा रहे हैं अंदर। ओ फक मैन, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, सीरियसली तो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है लिटरली। ओ माय गॉड गाइस, ओ फक मैन, बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब डर गया भाई मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है गाइस यार, मैं लिटरली डर गया बहुत ज़्यादा। तुम लोग अपना फोटो शूट भी करवा सकते हो, जगह बहुत बढ़िया है। तो गाइस यहाँ पे भी फोटो खींचेंगे, बाहर जाकर ये बताएंगे कि हम अगर हमें फोटो अच्छी लगी, तुम क्यों गिर रहे हैं? अरे यार मैं भी चल गया। अगर फोटो अच्छी लगी तो परचेज कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी नहीं तो कोई बात नहीं भैया, खींच देंगे, जब भी फोटो खींचो आप आओ। गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है मेरी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, -10 degrees। देखो पूछता हूँ भैया, कितना डिग्री होगा माइनस में इधर? -10 degrees है गाइस इधर, -10 degrees, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लिटरली मनाली फेल है यहाँ तो। मतलब मैं सोचता था कि मनाली उतना ठंडा और ये जगह इतनी ठंडी है गाइस। नमस्ते, स्केटिंग करें? हाँ स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, ये भी सबको इंक्लूड है, आपको दिखाते आ जाओ। और गाइस यहाँ पर आ गया है स्केटिंग करने के लिए, आती है तुझे? आती है तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट में मुंह के बल बंदा कैसे गिरता है। सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है लाइट की, और अगर आपको यहाँ पे स्केटिंग करने जानी है तो आपको ये पहले वाले शूज़ पहनने पड़ेंगे और ये वाले उतारने पड़ेंगे आपको पहले, जो हमने बाहर से आपको दिखाए थे ब्लैक वाले ये, और आपको ये वाले शूज़ पहनने पड़ेंगे जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, और फिर यहाँ पर आप स्केटिंग कर सकते हैं थोड़ी देर। अभी अर्जुन पहन रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे बोर्डर पर लेके चलो लाइक मतलब ग्रिल तक, उसको ग्रिल पकड़नी है, उसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और अर्जुन ने गिरते हुए। और ये छोड़ दिए भैया ने अर्जुन को पीछे, और ये अपना आ गए इधर अर्जुन। क्या हुआ यार, ये बंदा सही स्केटिंग कर रहा है यार। ओ ओ, और अर्जुन पहुंच गया है फाइनली 12 days later। और अर्जुन गया वही बच गया यार, बच कैसे गया तू? चल जा यार। हाथ दिखा, वो तो इस पर ही रखते और गाइस अर्जुन आगे डर के वापस। गाइस गर्मी में कभी भी इधर आ जाओ, तुम कह नहीं सकते यार, दिल्ली में इतनी गर्मी है गाइस। और गाइस ये आ गई अर्जुन की टर्न, इसका रिएक्शन नोट करने हैं हम सबको। और ये आ गया अर्जुन, ये आ गया गोल गोल घूमते हुए, और ये बोल्ड। कैसा लगा अर्जुन भाई? बहुत खतरनाक, नीचे आते ना ऐसे लगते हाथ ऊपर खींच गए भाई, बहुत खतरनाक। आ जाओ गाइस, नंबर अर्जुन का नंबर आ रहा है, देखना नंबर आया था, नंबर आ गया, नंबर आ गया। अर्जुन गिर गया आपको, क्या हुआ? क्या हुआ? और ये देखा अर्जुन बड़ी तेज गिरा यार, रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, सॉरी। कैसा लगा गिरकर? आज कल कोई और राइड दिखा दो सब्सक्राइबर्स को।
हाँ यहाँ पर ग्रुप आया ना, देखो हम तो तुम्हें जगह दिखाने लेके लाए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, पर तुम ग्रुप में हो ना तो बहुत मजा आएगा इधर। ये वही फोटो खिंचवाने के लिए हमारे पे टाइम खत्म होने वाला है, एक घंटा हमें पूरा होने वाला है इधर, और जैसा ये हो रहा है कि इधर रुक इधर जैसे कपल अंदर गए हुए भैया जा रहे हैं, इनको पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, और ये गाय जा रहे हैं देखो वो कपल बाहर आएंगे और अर्जुन इनके पीछे जा रहा है, कपल अंदर आएंगे अरे भैया वापिस आ गए, अरे भैया वापिस आ गए, इन तो पूछते भैया क्या हुआ, वापिस क्यों आ गए, वापिस क्यों आ गए, अंदर है क्या अरे भैया कह रहे कपल अंदर थे, भैया वापिस आ गए कपल अंदर थे यार। हम अपने ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर भैया शेर जाए, यहाँ पर शेर से जा सकते हैं। अच्छा ये वापिस क्यों आ गए, तब जाते अंदर से, अंदर से भैया वापिस आ गए, कपल भैया कुछ कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे थक गया शायद से, और ये इसकी वीडियो देखता हूँ क्या कर रहा है, वो रुकना जरा क्या हो गया तुझे क्या हो गया, अरे क्या कर रहा था तू इसके साथ, इसकी याद में ओ शिट मैन, अरे भैया इधर गिर गए हैं, और ये लड्डू का बेस्ट फ्रेंड है इधर, ये भैया आए थे जैसे हम आ गए बाहर फाइनली यार, बहुत ठंड थी अंदर, कैसा लगा अर्जुन, मजा आ गया, आने लग जगह है या नहीं है, बहुत भाई बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हमने ऑनलाइन चेक करा तो 1100 की टिकट थी, हम उसी हिसाब से आए थे, बट अभी स्टार्टिंग के दिन तो 700 में मिल गया, इसलिए दोस्तों जल्दी आए। मैं मतलब इन छोटी वर्ष जगह आने के लिए पैसे वसूल है या नहीं है भाई, पैसे वसूल हैं, और हमें लगा था इतनी गर्मी अंदर कितनी ठंड होगी, -1 -2 पर -10 degrees अंदर था यार, और टेस्ट आ गया मतलब टाइम कम है। हाँ यार 700 rupees में ना हमें एक घंटा दिया गया, पर हाँ एक बार बताऊँ जितनी राइड्स है ना तुम सारी राइड्स ईजली सारी राइड्स उसको मतलब दो बार कर सकते हो, और उसका तुम्हारा टाइम बच जाएगा, मतलब चिल विल मारने के लिए वहाँ पर, चिल क्या ही मारोगे, इतना खुद चिल है वहाँ पर क्या चिल मारोगे तुम, पर मज़ा आ गया ठीक है। तो गाइस हम मॉल से निकला है बाहर, हम जा रहे हैं पार्किंग में, ठंड अंदर से उतनी गर्मी बहुत ज्यादा, और पता है ना फील नहीं हो रहा इतनी गर्मी, पता नहीं क्यों, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड तो नहीं होगा बट ठीक है, पता नहीं बहुत मुश्किल था, चलो चले अब चल रहे कुछ खाने, मैकडी चलते हैं ठीक है, मैकडी चले चलते हैं, मैकडी चलते हैं ठीक है गाइस, अब दिखाते हैं हम क्या खाते हैं क्या लेते हैं ठीक है, चलो। सो गाइस थक बहुत चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और ना मैकडी बंद था एक्चुअली, तो फिर हम जा रहे बर्गर किंग, आ गया बर्गर किंग, आ गया बर्गर किंग, आ गया गाइस, चलो हम जा रहे हैं कुछ खाते हैं, बर्गर किंग मैकडी पता नहीं क्यों बंद है यहाँ पर नोएडा में, तो भूख बहुत तेज लग रही है, थके हुए हैं, ये बंद ना हो, नहीं ये खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये रहा बर्गर किंग गाइस। सो गाइस अब आ चुके हैं हम घर, खा पी के थक चुके हैं बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, देखो कितनी मेहनत करी तुम्हारे लिए, बट यार उस जगह में मजा आ गया, उस जगह पे ये था काश कुछ ऐसा हो कि पूरी दिल्ली ऐसी हो जाए ऐसी बस
ठीक था यार, बहुत बढ़िया जगह थी, जा सकते हो, वर्थ जगह एकदम, पैसा वसूल। और हाँ, अगर तुम अभी जल्दी जाओगे ना तो तुम्हें 700 की टिकट मिलेगी। अगर जैसे हाँ, अभी स्टार्टिंग चल रही है उधर 699 हाँ, वो 1100 की हो जाएगी। और हम तो वैसे भी अपना 1100 सोच के गए थे, बट 699 की मिल गई, मजा आ गया। बढ़िया ये भी यार, पर एक घंटे का टाइम मिलेगा आपको एंजॉय करने के लिए, चिल मारने के लिए। पर तो प्लीज चिल मत मारना, नहीं तो फिर पूरा चिल हो जाओगे तुम। पहले से चिलो और कितना चिल मारोगे, बट एक नंबर जगह, एक नंबर जगह है कसम से। बाकी तुमने घर, टाइम हो रहा है 4:30 शाम के, दोपहर के, कुछ भी कह लो, गर्मी थी बहुत ज्यादा, और इतनी गर्मी में व्लॉग बनाना तो भाई बहुत मुश्किल है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे यार अब तो। हाँ, रेगुलर आएंगे व्लॉग, और कृपया करके थोड़ा कम जले जिनको जलना है, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हमें। बी पॉजिटिव अपने को क्या मतलब जो जलना जलना। बाकी मेरी बात ये है कि वीडियो आ गई, कंटेंट देख लिया तुमने, और क्वालिटी तो तुम्हें पता ही है कैसे तुम देख रहे हो व्लॉग की। बाकी जिनको जो बोलना बोले, रेगुलर वीडियोस आएंगी, देखते रहना। और फिर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो अच्छा सा, एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, अगर तुम चैनल पे प्यार दिखा देना बढ़िया सा एकदम। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।